देशवासियों, नेपाल विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि आज तक किसी देश का गुलाम नहीं बना है। दोस्तों, 1814 से लेकर 1816 तक इस देश के राजाओं की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी। नेपाल गुलाम नहीं हुआ। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में से एक नेपाल की बात ही निराली। और अगर आपको नेपाल इंडिया से जाना है तो वीजा की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको नेपाल देश की तमाम जगह घुमा देते हैं जो आज भी है वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन मानी जाती है। मुक्तिनाथ मंदिर। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और देखने लायक स्थान है। मुक्तिनाथ घाटी में यह मंदिर बना है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर को पूजते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में श्री भगवान विष्णु का निवास मानते हैं और इस वजह से इस पत्थर को काफी पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को पंगुता वास्तुकला से बनवाया गया था। वहीं यह मंदिर हिमालय में 3,700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर उपस्थित है, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास काफी प्राकृतिक सुंदरता देख सकते हैं। यहाँ के तीर्थ यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा में हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना होता है। पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल दर्शनीय स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और यह तो आप जानते ही होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहते हैं। यह सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने होते हैं और शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। पर्व के दौरान काफी संख्या में भक्त इस मंदिर में घूमने आते हैं। यह मंदिर काठमांडू से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह के दौरान सूर्योदय काल का होता है। मित्रों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि साल में 1 से 2 बार भी इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है। आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर में जाना ना भूलें। अब काठमांडू सिटी। दोस्तों, काठमांडू सिटी नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय शेयर करने का एक अलग ही मजा आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफी दीवाना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल नाच और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी समय पर होता रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मिल जाता है। काठमांडू नेपाल का बेहद ही खूबसूरत शहर माना जाता है। दोस्तों के साथ इस शहर में आप सनराइज का भी मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नजारा बेहद ब्यूटीफुल हो जाता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौकीन है और यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ओवरक्राउड नहीं है, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप भी भारत का हिस्सा है तो नेपाल। आप जब भी जाएंगे आपको इस शहर का दर्शन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्त यहीं पर सारी फ्लाइट लैंड करती है। सागरमाथा नेशनल पार्क। दोस्त, सागरमाथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बड़ा पर्यटन स्थल है जो उद्यान नेपाल दर्शनीय स्थल में 4 चांद लगा देता है। सागरमाथा नेशनल पार्क बेहद ही सुंदर स्थान है और इस उद्यान से माउंट एवरेस्ट को भी देख सकते हैं जो लोग माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते हैं। सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क में आपको कई तरह के पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस जगह को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। बाकी में बहुत ही खूबसूरत बार है और इस जगह पर जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी मित्रों, जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं वह सागरमाथा नेशनल पार्क तो आते ही आते हैं। आप भी जरूर जाएगा। दूसरा, दोस्तों, पोखरा। नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। शहर के पास ही थेवा झील स्थित है और झील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण देखा सकते हैं। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं बस पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा
नेपाल का दूसरा सबसे फेमस है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे टेम्पल भी हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। तभी कहा जाता था है कि अगर आपने नेपाल गए हैं तो एक शाम पोखरा के लिए भी रख लीजिए। जी हाँ, यहाँ आपको नेपाल की ट्रेडिशन लाइफस्टाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ के होटल में रहने से लेकर यहाँ का खाना पीना सब नेपाली स्टाइल का है। यहाँ आप नेपाल को जी लेंगे। लुम्बिनी दोस्तों, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। यह स्थान भारत नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित लुम्बिनी गांव है। सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए जाने जाना वाला यह स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। सम्राट अशोक ने इसे अपनी नेपाल यात्रा के दौरान अपनी स्मृति में बनवाया था। यहां का प्रमुख आकर्षण केंद्र 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अलावा माया देवी मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के बीच खासा लोकप्रिय है। इसमें गौतम बुद्ध की मां माया देवी की मूर्ति है। माया देवी इस मूर्ति में गौतम बुद्ध को जन्म देती हुई दिखाई गई है। कहा जाता है कि यहां जाकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूरा जरूर होता है, और शायद यही वजह है कि लुम्बिनी में भारी संख्या में लोग आते जाते हैं भी। आस्था दोस्तों, देवघाट धाम भी नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल है। देवघाट धाम काली गंदगी और त्रिशूल नदियों के संगम पर स्थित है। मकर संक्रांति के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहां आते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा यहां पर घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। दोस्तों, यदि आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना बिल्कुल अपने देश में घूमने जैसा ही है। इस देश में कई सारे हिंदू मंदिर है। हर साल भारत से कई सारे लोग इस देश में बने इन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को विजिट करने के लिए जाते हैं। नेपाल देश में मंदिरों के अलावा कई सारे सुंदर पर्यटन स्थल भी है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेपाल देश एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए भी एकदम सही जगह है, और इस जगह पर एडवेंचर का खूब मजा लिया जा सकता है। आप अपनी छुट्टियों के दौरान इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा जेब डीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की करेंसी काफी सस्ती है, और आप आराम से 4 से 5 दिन इस देश में करीब 25,000 रुपए खर्च करके गुजार सकते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यही वजह है कि यहां किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध एक छोटा देश है तो गलत नहीं है, लेकिन शायद आपको जानकार हैरानी होगी, लेकिन देश की राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस के तक स्थल है। इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में भी दूसरे का नाम दिया गया है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है जो इसे सबसे ज्यादा विरासत वाला देश बनाते हैं। नेपाल 14,03,345 वर्ग में फैला है। क्षेत्रफल के मामले में 93 वर्ष देश। तो दोस्तों, आज की एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते कल एक और न्यू एपिसोड के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।